जब भी ये कॉइन करता है तो काफी जहरीला। देख सकते हैं दोस्तों कितना ट्रैफिक है हमारे इस पूना सिटी में, और इतने ट्रैफिक में से गुजर कर हमको कॉल के लिए जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं आगे इतना ट्रैफिक आपको देखने का है। इथंच का दादा तर पुढे जात कुठे गेले तुम्ही? लक्ष देऊन बस। कोणत्या फळी खाली? या फळी खाली। हाच आहे ना फळी खाली? केवढा मोठा आहे? मोठा आहे, बराच मोठा आहे। या बुरीन पाहिला कलर पिवळा आहे का? त्याच्या अंगावर पट्टे पट्टे काळे काळे गोनस आहे का? गोनस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेक कैचर नीता पुना से स्वागत करती हूँ आपका आज की मेरी इस वीडियो में। और आज मैं आई हूँ कौन सा गाँव है? तुळापूर है ना। आज मैं आई हूँ तुळापूर गांव है ये, जो कि पुणे जिला में आता है। और थोड़ा सा ग्रामीण आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू में खेती बाड़ी बहुत है यहाँ पे। और भैया ने हमें कॉल किया था, और यहाँ पे जो मौसी वगैरह है दो तीन, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया है। बोल रहे हैं कि ये फल्ली के नीचे सांप गया है, देखेंगे कौन सा सांप है। बहुत बड़ा सांप है कह रहे दोस्तों। सबसे पहले तो हम बैग सेट करके लेंगे, क्योंकि जैसा मुझे मौसी और ये भैया बता रहे हैं, मेरे ख्याल से वाइपर यानी कि घुना चित्ती साफ हो सकता है, जिसकी वजह से मैं पहले ही यहाँ पे बैग सेट कर रही हूँ। बैग सेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देख सकते दोस्तों काफी जहरीला। असल वाइपर चित्ती सांप बहुत ही ज्यादा स्फूर्तीला है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है।
कुत्ते को दूर रखे, कुत्तों को लेके जाओ दादा वहाँ, उसको वहाँ से लेके जाओ क्योंकि वो सांप पे अटैक करेगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है दोस्तों, लोगों को लगता है ये अजगर सांप है, कुछ करेगा नहीं, बिना जहर वाला है, लेकिन ये बहुत ही जहरीला सांप है दोस्तों। अजगर नहीं, ये रसल वाइपर स्नेक है, हाईली वेनमस। जब भी ये कॉइल करता है तो अटैक पोजीशन ले लेता है, स्विंग की तरह इसका बाइट होता है, एक सेकंड में बाइट करके पीछे आ जाता है। मैं खाली स्टिक से उसको थोड़ा थोड़ा टच कर रही हूँ क्योंकि उस साइड में बैक टच कर दिए, जिसकी वजह से अटैक अटैक हो पापा हो। आगे पहले से बैग से चला जाए और वो जाएगा दोस्तों उसमें। आसानी से चला देगा, ठीक है ना दादा बैग। तो दोस्तों ये जो सांप है, वहाँ पे जो मैंने हाथ लगाया उसको, क्योंकि वहाँ पे चूहे के बहुत बड़े बड़े होल थे, अगर वो होल में चला जाता तो फिर दिक्कत हो जाती सांप को निकालने में, और साथ पास ही घर है इनका, तो उसके वजह से मुझे वहाँ पे उसको हाथ लगा कर पकड़ना पड़ा। और ये सांप काफ़ी अग्रेसिव था, रसल वाइपर जो स्नेक रहते हर एक सांप का अलग अलग स्वभाव रहता है, ये जो सांप था ये बहुत ही गुस्सेल स्वभाव का था, बहुत ही उछल कूद कर रहा था, उसके वजह से बहुत ही सावधानी से मुझे इसे पकड़ना पड़ा, बाद में यहाँ पे बैक सेट कर दी थी। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, जहाँ पर भी ये सांप आपको दिखाई देता है, अगर समझो गलती से, मैं नहीं बोल रही लेकिन गलती से अंधेरे में वगैरह पैर हमारा गिर गया, तो अगर ये सांप काटा तो ये जहाँ पर भी हमें काटता है वहाँ पे बहुत गहरा घाव होता है, जिसके वजह से अगर हाथ को काटा तो हमारा हाथ काटना पड़ सकता है, ऐसा हुआ है कई बार। ये सांप काटने के बाद क्या होता है, वहाँ पे गैंग्रीन पैदा होता है, जिसके वजह से हाथ या फिर पैर हमारा कट करना पड़ सकता है, उसकी वजह से संभाल के रहिए, सतर्क रहिए और घबराइएगा नहीं। अगर ये सांप काटता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाए, आपकी जान ज़रूर बचेगी दोस्तों, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, इधर उधर अनसुनी बातों पर विश्वास करके मंदिर में लेके जाएंगे या फिर झाड़ पूछ के पीछे जाएंगे तो फिर आपके जान को धोखा हो सकता है। और ये जो लोग हैं सारे मेरे पीछे खड़े, इन्होंने सांप को मारा नहीं है, हमें कॉल किया, सांप को बचाया, उन्हें भी पता था कि ये बहुत ही ये घोनस सांप है, बहुत ही जहरीला सांप है, फिर भी उन्होंने नहीं मारा, हमें कॉल किया, इसलिए मैं सब लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी ये जो सांप है दोस्तों, बहुत ही सेफ तरीके से ये अभी इस थैली में जा चुका है। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक करो, और सबसे मेन बात मेरी तरह ट्राई मत करो कोई भी सांप पकड़ने के लिए, और सतर्क रहना, सेफ रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।